சொத்து வினதி பாரம்பார். ஹே துக் பஞ்ச. நமஸ்கார், ஸ்வாகத் ஹை ஆப்கா. ஆப் தேக் ரஹே ஹை ஹமாரி காஸ் பேஷ்கஸ் தேவாலய், ஆர் மை ஹூ ஆப்கே சாத் ஸ்வேதா பட்டாச்சார்ய. आज हम आपको देवालय में पवन पुत्र संकट मोचक जी के दर्शन कराएंगे और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हनुमान जी से जुड़ी अद्भुत कहानियां भी सुनाएंगे. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में एक हनुमान मंदिर है. इस हनुमान मंदिर की कहानी अनोखी है क्योंकि इस मंदिर का निर्माण एक मुस्लिम ने करवाया था और यही वजह है कि इस मंदिर में हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम भी आते हैं. आखिरकार इस मंदिर के पीछे की कहानी क्या है और क्यों ये मंदिर एकता के लिए प्रसिद्ध है, चलिए आपको दिखाते हैं. उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ये वो पुराना हनुमान मंदिर है जहाँ कई रहस्यों के साथ अद्भुत कहानियां हैं. इतिहास सदियों पुराना है. ये हनुमान मंदिर हिंदू मुसलमान की एकता का प्रतीक है. यूं तो लखनऊ में हनुमान जी के काफी मंदिर हैं, लेकिन आज जिस मंदिर में हम खड़े हैं, आपको बता दें लखनऊ के अलीगंज इलाके में पुराना प्राचीनतम हनुमान जी का मंदिर है जो सालों पुराना है. और आपको बता दें यहाँ की जो मान्यता मांगी जाती है वो जल्द से जल्द पूरी होती है. यहाँ पर जो तमाम भक्त पहुँचते हैं वो लखनऊ के साथ साथ तमाम दूर दूर शहरों से यहाँ पर पहुँचते हैं और हिंदू और मुस्लिम धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं. जिस तरह से यहाँ की मान्यता है कि इस मंदिर का जो निर्माण है वो एक मुस्लिम रानी ने कराया था. और आखिर इस मंदिर का इतिहास क्या है, क्या मान्यताएं हैं, किस तरह के भक्त यहाँ पर आते हैं और किस तरह से उनकी मान्यताओं को पूरा किया जाता है हनुमान जी के द्वारा, आज हम आपको मंदिर के अंदर लेके चलेंगे. यहाँ के पुजारी से बात करेंगे, साथ ही साथ यहाँ के भक्तों के साथ साथ जो यहाँ के निवासी हैं उनसे बात करेंगे और आपको बताएंगे इस मंदिर का पूरा इतिहास. हनुमान जी की इस मंदिर का महत्व कहें या फिर मान्यता इतनी अधिक है कि लखनऊ में ही नहीं दूर दूर तक जहां भी हनुमान जी का कोई नया मंदिर बनता है वहां की मूर्ति के लिए ओशा, सिंदूर, लंगोटा, घंटा और छत्र सब कुछ यहां से बिना पैसे दिए जाते हैं और तभी वहां की मूर्ति स्थापना प्रमाणित मानी जाती है. में कहीं भी नया मंदिर जब बनता है तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा और शुभारंभ यहीं की ध्वज जाता है, यहीं से उनका जो वो लेप जाता है और यहीं से जाता है वस्त्र, तो जो है वो श्री गणेश महाराज प्राण प्रतिष्ठा का शुभारंभ यहीं से संपूर्ण हिंदुस्तान में अभी तक ये मान्यता परंपरा रही कि वो शुभारंभ यहीं के वस्त्र और उनके वो जो चढ़ाया जाता लेप और ध्वजा पताका सब यहीं से जाता है, तब वो मंदिर का श्री गणेश शुभारंभ माना जाए, ये परंपरा. लखनऊ के अलीगंज में सबसे प्राचीन हनुमान मंदिर के आगे की कहानी आपको बताएं. इससे पहले आपको इस मंदिर की वो बातें बताते हैं जो हैरान करने वाली है. ऐसा कहा जाता है कि नवाब सआदत अली के कार्यकाल में 1798 से 1814 के दौरान मंदिर का निर्माण हुआ था. उन्होंने अपनी माँ आलिया बेगम के कहने पर मंदिर का निर्माण करवाया था. ये बहुत ही तवारीखी और हिस्टोरिकल टेम्पल है. कहते हैं पुराने टाइम में महारानी छतर कुंवर, जिनका आलिया बेगम महारानी जो थी, तो उनको बादशाह सलामन जो नवाब साहब ने अपने धर्म के हिसाब से पूजा पाठ की इजाज़त दे रखी, तो आलिया बेगम ने माना कि हमारे लड़का हो तो हम एक मंदिर की तामीर करेंगे. तो उस लड़के का नाम मंगल के दिन पैदाइश हुई तो मंगलू उर्फ सआदत अली खां जिनका मकबरा, तो उन्हीं के दस्ते मुबारक से कर कमलों से ये मंदिर बना. और ये चांद तारा गंगा जमुनी कल्चर का प्रतीक है और इसको मानने वालों में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम है. तो मतलब कहा जाए कि जो हिंदू धर्म का कह सकते हैं कि एक पुराना हनुमान मंदिर है, इसको एक मुस्लिम ने इसकी कह सकते हैं नींव रखी. जी, और आज भी मेंटेनेंस इसका होता, सब लोग मिलजुल कर करते हैं. जी, भंडारा होता, सब कुछ होता, सब.
अवध सल्तनत के कौमी निशान के तौर पर इस मंदिर के शिखर पर दूज का चांद भी बना देखा जा सकता है। चंद्रमास जेठ के पहले मंगल का मेला अलीगंज मंदिर की प्रधान परंपरा है। जेठ के पहले मंगल को ही यहाँ हनुमान जी के प्रकट होने की बात कही जाती है। जेठ महीने के सभी मंगलवारों में यहाँ बड़ी भीड़ होती है। ये बहुत ही प्राचीनतम मंदिर है। जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं, उनकी मन्नत पूरी होती है। और सबसे खास बात जो इस मंदिर की है कि जैसा कि हर मंदिर में एक त्रिशूल लगा होता है, पर इस मंदिर में चांद लगाया गया है, क्योंकि इसका जो निर्माण है वो एक मुस्लिम परिवार की रानी ने कराया था अपनी मन्नत को पूरा होने पर। हमारे साथ यहाँ पे एक निवासी और मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में। मंदिर में बाराबंकी का निवासी हूँ, लेकिन लोगों के बड़े मंगल में जब ज्येष्ठ का पहला मंगल में बड़ा मेला बहुत महान लोगों के बीच में होता आते हैं और अपनी मर्यादा में मनोकामना पूर्ण करके हनुमान की अरदास करके वो सब अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते और बड़ी सफलता से वापस जाते हैं। राम के काज सवारे मेरा करू धाम। हनुमान जी के इस मंदिर में आने वाले भक्तों की कमी नहीं है। अधिकतर लोगों की माने तो यहाँ सच्चे मन से आने पर कोई खाली हाथ नहीं लौटता है। सबकी मुरादें जल्द से जल्द पूरी होती हैं। यहाँ पर इस मंदिर मुझे आते आते 27-28 साल हो रहे हैं और यहाँ पर जितने भी हमारे बड़े मंगल होते हैं डेली हर मंगल की शाम को यहाँ आना ही आना है। यहाँ पीछे आपका भंडारा होता है, शाम को प्रसाद वहीं से खाना होता है और साथ में कोई भी घर में मंगलिक कार्यक्रम होता है, कुछ भी होता है ओकेशन, तो यहाँ आके दर्शन करना ही करना है, उसके बाद अपने कार्य का शुभारम्भ करना है। यहाँ तक कि अभी नौकरी के लिए अभी अप्लाई किया था, जो पोस्टिंग मेरी बाहर हो गई है, तो वहाँ भी उसको जाने से पहले यहाँ पर दर्शन करने आए थे, दर्शन करके फिर वहाँ जाके पोस्टिंग की थी। बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत ही जो है यहाँ से जो भी मांगिए जो भी मान्यता है आपकी पूरी होती है। कितनी मान्यता है यहाँ की इस मंदिर की और कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ पर मेरे ख्याल से ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से हर जगह से लोग आते हैं। ये से आप पूरा डिस्ट्रिक्ट ले लीजिए, आपका पूरा सीतापुर है, आपका लखीमपुर है, उधर आपका बिसुआ है, ये पूरा बेल्ट आपका पूरा कवर करता है। हालांकि और जिधर आप इधर निकल जाइए अगर आप बाराबंकी साइड, तो यहाँ के भी सारे श्रद्धालुगण आते हैं। आज शादी की आपकी सालगिरह है। हाँ जी, मांगने के लिए पहुँचे हैं। हाँ जी, हनुमान मंदिर में दर्शन आज आप करने आए हुई हैं, कितनी मान्यता मांगती, क्या लगता आपको कि आपकी हर एक मुराद यहाँ से पूरी होती है? एक्चुअली ये बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे जो भी आप मांगते हैं वो पूरा होता है। बचपन से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं और बल्कि हमारे पेरेंट्स भी, उनसे भी सुना है कि यहाँ कुछ भी मांगी वो पूरा होता है। आज हमें जैसे कि आज हमारी शादी की सालगिरह है, हम लोग यहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट करते हैं। शादी हुई पे मंदिर आए और कुछ भी ओकेज़न होता है, कुछ फेस्टिवल है ओकेज़न है, हम यहीं पे आके दर्शन करते हैं, मांगते हैं। लखनऊ के प्राचीन हनुमान मंदिर से जुड़ी कई और रोचक कहानियां भी। कुछ पौराणिक तथ्यों के मुताबिक जब अयोध्या लौटने के बाद श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को त्यागने का निश्चय कर लिया था, तब एक रात सीता जी यहीं ठहरी थी। सीता जी को जब वन से निकाला, घर से निकाली गई धोबी के कहने से, तब वो रात हो गई थी तो यहीं रात को रुकी थी। हनुमान जी पहरे पे रुके रहे, लक्ष्मण जी लक्ष्मण टीला पे रुके रहे, पक्के पुल पे जो है, तो वो वहाँ उन्होंने कहा कि चलो वहीं रुको चल के। तब सीता जी ने कहा जब हम देश से निकाल दी गई हैं तो हम यहीं रुकेंगे जंगल में। लखनऊ की गंगा जमुनी तहजीब की जब बात होती है तो अलीगंज के पुराने हनुमान मंदिर का नाम जरूर लिया जाता है। सालों पहले ज्येष्ठ के बड़े मंगल की शुरुआत के गवाह रहे इस ऐतिहासिक मंदिर में हिंदू और मुसलमान दोनों ही आते हैं। जिस मंदिर में अलग अलग धर्मों का संगम होता है वो अपने आप में अद्भुत और निराला होता है, जैसे लखनऊ का ये पुराना हनुमान मंदिर। बड़ा मंगल होता है तो उसमें ऐसी तादाद आती है कि जिसको गिन पाना मुश्किल होता है। तमाम तरह की यहाँ पे मान्यता है कि जिस तरह से जो भी यहाँ से मांगा जाता है हनुमान जी उसको जल्द से जल्द देते हैं, तो तमाम लोगों की जिस तरह से धारणाएं हैं इस मंदिर को लेकर वो पूरी होती हैं और काफ़ी दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। जिस तरह से उन्होंने बताया है कि आलिया बेगम ने इसका जीर्णोद्धार कराया था, उनके संतान नहीं हो रही थी और उन्होंने कहा था कि अगर मेरी संतान होती है तो मैं एक मंदिर बनाऊंगी जिसके बाद उनको एक संतान पैदा हुई जिसका नाम रखा गया मंगलू, जिसके बाद
बाद उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया। तो तमाम तरह की इस मंदिर को लेकर धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं और भक्त यहां पर हजारों की संख्या में पहुंचते हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे वो मुस्लिम हो, हर एक धर्म के लोग यहां पर आते हैं और हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं। संदीप खेर कैमरा पर्सन अमीश के साथ, R9 TV उत्तर प्रदेश। लखनऊ के एक और बजरंग बली की बात करेंगे। यूनिवर्सिटी मार्ग पर एक भव्य हनुमान मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर को बाबा नीम करौली ने बनवाया था। इस मंदिर निर्माण की कहानी क्या है, चलिए आपको सुनाते हैं। लीजिए बजरंग बली का नाम। साकार होंगे सपने, पूरे होंगे काम। देवन आनी करी विनती, तब छाड़ दियो रवि कष्ट। हर मुश्किल में पार लगाएंगे हनुमान। संकट मोचन नाम बिहारो। सबसे बलवान जो है सबसे बुद्धिमान, जिन्होंने लगाई रावण की लंका में आग, वो है भगवान राम के हनुमान। जब भी कोई उलझन लगती है तब आ जाते हैं, मन शांत हो जाता है। अंजनी पुत्र का नाम सुनते ही मन ऊर्जा से भर जाता है। राम के सबसे बड़े भक्त बजरंग बली की कृपा सदैव भक्तों पर रहती है। जो मन में होता है वो पूरा हो जाता है, ऐसी कोई मान्यता मांगी नहीं है कभी कोई खास, शांति रहती है मन में यहाँ पे आने से। राजधानी में एक ऐसा मंदिर है जिसके बनने की कहानी विचित्र है। लखनऊ के यूनिवर्सिटी मार्ग पर स्थित हनुमान सेतु मंदिर पर हमेशा भक्तों का तांता लगा रहता है। दूर दूर से चलकर भक्त यहां आते हैं और भगवान हनुमान का आशीर्वाद लेते हैं। इसको 53 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और काफी मात्रा में यहां पर भक्त पहुंचते हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, यहां पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त अपनी मनोकामना के लिए यहां पर लगातार आते रहते हैं। भक्तों का साफ तौर पे कहना ये है कि हनुमान जी हमको बिन मांगे ही सब कुछ दे देते हैं, यहाँ पे तो हम सिर्फ उनके दर्शन के लिए आते हैं। हनुमान भक्त हर मंगलवार को मंदिर में भंडारा करवाते हैं, प्रसाद बांटते हैं। खूबसूरत मंदिर बनाया गया है, हर मंगल को यहाँ पर भंडारा होता है और कहते हैं कि हनुमान जी की कृपा इतनी है कि उनको देखने मात्र से ही हमारी हर एक मनोकामना पूरी हो जाती है। यहाँ पर कोई 20 साल से आ रहा है, कोई 25 साल से आ रहा है, सबका कहना ये है कि हम जो भी मनोकामना हनुमान जी से मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। सुंदरता और भव्यता से भरपूर इस मंदिर को 53 साल पहले बनवाया गया था। कहा जाता है कि यहाँ पहले नदी थी जिसके तट पर स्वामी मौनानंद का आश्रम हुआ करता था। पास में स्थित तट पर ही बने एक हनुमान मंदिर में बाबा नीम करौली रहा करते थे। बाबा ने वहाँ रहते हुए पवन पुत्र हनुमान की प्रतिमा को भव्यता प्रदान की, लेकिन 1960 में आई बाढ़ से मंदिर और आश्रम को काफी नुकसान पहुँचा। कि बाबा नीमकोरी महाराज ने ही इस मंदिर में हनुमान जी की स्थापना करी थी। 53 वर्ष से ज़्यादा का समय हो चुका है और ये लखनऊ में हनुमान सेतु के नाम से मशहूर है और इसकी बहुत ही ज़्यादा मनोकामना है कि जो भी भक्त यहाँ पर आता है उसकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। बाढ़ के कारण गोमती पर बना पुल ढह गया था। दोबारा पुल बनाने के लिए जब नदी में पिलर खड़े किए गए तो वो रुके ही नहीं। तमाम जतन करने के बावजूद जब पिलर नदी में नहीं रुक रहे थे तो बाबा नीम करौली से मदद मांगी गई। बाबा की कृपा से पुल बनकर तैयार हुआ। अरे हम लोग तो बचपन से आ रहे हैं, हम कॉलमिल में पढ़ते थे तब से हम लोग सामने से भी निकलते थे तो दर्शन होते थे और उसके बाद बाबा की महिमा ऐसी है कि यहाँ पर जो एक बार आ जाता है तो वो आएगा ही आएगा।
नया पुल बनने के बाद मुंबई के एसबी जोशी ने बाबा से उनकी इच्छा जाननी चाही तो उन्होंने वहां हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाने की तमन्ना जाहिर की। इसी के बाद वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। मंदिर में आते हैं और मंदिर एक बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है और मंदिर में हजारों भक्त लगभग रोज आते हैं और मंगलवार को तो कम से कम 50,000 तक भक्तों की संख्या होती है। आज भी तट पर पुराने मंदिर में बाबा का कक्ष मौजूद है। वहां रोजाना सुबह और शाम हनुमान पाठ किया जाता है। लखनऊ से संदीप खैर, R9 TV, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। देवालय के इस कड़ी में हमने बात की सीता के प्यारे राम के दुलारे हनुमान की। खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए R9 TV सिर्फ खबर के लिए। पावन सुत विनती बारंबार।